तो हाल ही के दिनों में भाई अभी एक और न्यू बाइक को देखा गया है बजाज कंपनी का ही, और ये वाला जो बाइक है ना तो ये है बजाज पल्सर N150। और जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये वाला जो बाइक है ना तो इसका लुक कुछ इस तरीके का है। बाकी इसी बाइक के बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बातें भी करने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि ये जो बाइक है तो इसके अंदर हमें क्या कुछ अभी न्यू देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई फाइनली अभी एक न्यू बाइक को अभी दिखा गया है, मतलब और एक न्यू बाइक को अभी दिखा गया है। और ये वाला जो बाइक है ना तो ये बजाज कंपनी की तरफ से फ्यूचर में आने वाला एक और न्यू बाइक है जिसका नाम है बजाज पल्सर N150। और ये वाला जो बाइक है ना देख ही सकते होंगे इसका जो डिजाइन है तो ये देखने में कुछ आज के डेट का जो ये बजाज पल्सर 150 वाला जो मॉडल है तो उसके ही जैसा कुछ है। और इसके अलावा इस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे लेकिन बहुत सारा कुछ चेंजेस। जैसे कि पहला तो है इसी बाइक के ही इसी हेडलाइट वाले पार्ट के अंदर, जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का जो ये हेडलाइट वाला पार्ट है तो इसके अंदर आपको जो डिजाइनिंग देखने को जो मिलेगा तो वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा एक शार्प डिजाइन, मतलब देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो टेल सेक्शन है तो ये देखने में आज के डेट का ये जो N250 की तरह जो है तो यही कुछ मतलब दिया गया है। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर और एक चीज जो नोटिस होता है तो वो है इस वाले बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम। और जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम जो दिया गया है तो ये है अंडरबेली, मतलब इसी N150 का। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको एक न्यू सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर का भी फीचर देखने को मिल सकता है, मतलब अभी ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप तो वो भी है लगभग सारा ही LED के अंदर अंदर। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको जो न्यू सस्पेंशन सेटअप जो देखने को मिलेगा तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी तो भाई इसी वाले बाइक के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा ना तो वो भी कुछ कहा यही जा रहा है कि डिस्क ब्रेक के साथ साथ आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक का जो ये टैंक वाला पार्ट है ना तो इसके भी अंदर आपको जो डिजाइनिंग देखने को मिलेगा तो ये भी अभी न्यू दिया गया है। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो इंजिन काउल है तो वो भी अभी न्यू ही देखने को मिलेगा। बाकी भाई इसी बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजिन तो ये भी न्यू है, मतलब कि जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक के अंदर आपको जो इंजन देखने को मिलेगा तो ये एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल वाला इंजन है जो कि 150cc वाला है। और अभी के डेट में बोला कुछ ऐसा ही चले कि ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है तो वो भी कम से कम 14 से लेके 15 bhp के अंदर अंदर। और इसके अलावा ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो है 12 से लेके 13 Nm के अंदर अंदर। बाकी तो 5th स्पीड का भी गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।